स्टार्टिंग अब ये स्टार्टिंग 1000 रुपए से कम क्या होने, 1000 जो रह जाएगा वो फेंकेगा और फेंकने का ही मतलब तिरपा इलाके में आलू आ जाएगा। अच्छा, आगेती किसान कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले अपना बो दिया था, उनका नवंबर लास्ट नवंबर में आ सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद हैं गीतांजलि तीर्थग्रह कोल्ड स्टोर में, जो कि मानीमऊ क्षेत्र में आता है और मियांगंज घाट रोड पे। और आज हमारे साथ में सकावत भाई साहब व्यापारी जी मौजूद हैं और कई अनुभवी किसान भी हैं, एक दो व्यापारी भी हैं। किसानों की मात्रा ज्यादा है, किसानों से जानेंगे आज कि ग्राउंड पे आलू की पोजीशन क्या है। कई किसानों का अलग अलग तरह से मानना है कि आलू नवंबर के लास्ट तक आएगा, आलू दीपावली तक आएगा, तो असली हकीकत जो है वो किसानों को पता होगी, किसानों से जानेंगे। बात की जो आलू की निकासी कितनी हो चुकी है अभी गीतांजलि शीतगृह कोल्ड स्टोर में, उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ सकावत भाई साहब मौजूद हैं जो कि अनुभवी व्यापारी हैं, ठडिया मंडी में व्यापार करते हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि आलू की इस समय पोजीशन क्या चल रही है। आप लोगों के कमेंट कई तरह तरह के आते हैं, सभी का जो है आपको इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखिए और वीडियो के बाद में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि इस कोल्ड स्टोर में निकासी कितनी हो गई? निकासी तो हो गई लगभग 1,70,000 पैकेट, 30,000 पैकेट आज के अंदर। अच्छा, 30,000 पैकेट बचा हुआ? हाँ, 30,000 बचा है। तो 30,000 पैकेट जो बचा है अभी क्या लगता है उसमें कितना बीजा निकल जाएगा? बीजा सफेद तो केवल भाड़े जा रहा है, कोई कसकार का पैसे नहीं सीधा हो रहा जी। लाल 10-20 पैकेट इधर आ जाओ। हाँ, लाल जो है वो 20-30 रुपए पैकेट बिक रहा है। अच्छा, लाल बीजा, लाल वाला सफेद 100 रुपए पैकेट बिक रहा है। अच्छा, जो आलू का जो सबसे अच्छा अगर भाव अगर आज की तारीख में देखें, हाईलैंड 400 का बिक रहा है, नंबर 1, 400 रुपए। हाँ, हाईलैंड आलू में अभी कुछ बढ़ोतरी हुई थी। हाँ, बिका अब तो पहले 450 बिक चुका है। तो अच्छा, अभी गिरावट कब से आई है? गिरावट कल से 400 हो रही है। अच्छा, चिप्सोना वगैरह आलू क्या रेट है? चिप्सोना की जो क्वालिटी है बढ़िया, वो 300-350 बिक रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी है 400 के, और वो जो खराब है वो 200 बिक रहे हैं। अच्छा, ठटिया मंडी की बात करें हम, तो अपनी ठटिया मंडी जो है कब से स्टार्ट होने वाली है, क्या लगता है कब तक उसमें मंडी में आलू आ जाएगा? दिवाली बाद आ जी, अब तो दिवाली 1 हफ्ते बाद आलू आ जाएगा। 1 हफ्ते तक आ जाएगा? हाँ, मतलब दीपावली 12 को है तो 20 नवम्बर तक आ जाएगा। 20 नवम्बर को आ जी। अच्छा, क्षेत्र की क्या अपडेट है? अगर देखें अपने यहाँ क्षेत्र में तो जो आलू है कई किसानों को मारा गया है आलू, तो कितना लगता है कितना बर्बाद हो गया आलू क्षेत्र में? आलू कितना बर्बाद, आलू कम ना है, आलू खूब है, बीजा जो फिक रहा है वो सब ले जाए कासकार गाड़ेगा, केवल भाड़े बिक रहा है बीजा। अच्छा, सफेद बीजा अभी लगा है 700 पैकेट हमारे पास, खुद कोई भाड़े भी हम दे दे, भाड़े बुटवाए थे। अच्छा व्यापारी साहब, एक बात हम जानना चाहेंगे कि बहुत ही जल्द कच्ची फसल वाला आलू आने वाला है, नया आलू, अब ये आलू क्या लगता है कंपटीशन में हो जाएगा कि आलू जो इसमें बचा पड़ा हुआ है कोल्ड स्टोरों में? जो रह जाएगा वो फेंकेगा, फेंकने। अच्छा, जब नया आलू आ जाएगा तो इसकी कोई कीमत रहेगी? इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, कोई कीमत नहीं रहेगी। तो अभी जो चल रहा है रेट उस हिसाब से किसानों को निकाल देना चाहिए? बिल्कुल निकाल देना चाहिए, जो सीधा वो सीधा कर ले। जैसे आलू का, जैसे बीजा के जो कई किसान है तो बीजा वाले का कोई रेट ही नहीं है ना, बीजा सफेद का कोई रेट नहीं, केवल भाड़ा सीधा हो रहा है, तो मतलब कुल मिला के किसानों की जो है पूरे तरीके से हाँ नुकसान है। अच्छा, कच्ची फसल की अगर हम बात करें, कच्ची फसल की कितने रुपए खुलने के चांसेस लग रहे हैं कि पैकेट जो है स्टार्ट? अब ये स्टार्टिंग 1000 रुपए से कम क्या खुलेगी, 1800 तो खुलेगी, 1000 रुपए तो हाँ कच्चे। अच्छा, हमारे साथ और भी किसान है जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के किसान है, गंगा पार के भी कुछ किसान है और कन्नौज क्षेत्र के भी कुछ किसान है। दादा कहाँ से हो आप? गंगा पार। गंगा पार के? अच्छा, आलू कितना गाड़े हैं? एक एकड़। अच्छा, कब किस तरह कितने दिन हो गए मतलब आलू को बुआई करके? 8-10 दिन। 8-10 दिन हुए। अच्छा, तो ये लेट वाला हुआ, आप तो पक्की में जाएगा ये? पक्की में जाइए। अच्छा, अपने क्षेत्र में कच्ची वाला नहीं होता? नहीं होते, वो गाड़ी वो जामिया वालू। अच्छा, जामिया आ गया, उसने कुछ अभी कितने दिन का हुआ है मतलब? कुछ ऊपर आई पाओ। अच्छा, जाम के ऊपर नहीं लगी अभी? नहीं 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 नहीं, हुआ नहीं कुछ? हाँ, कुछ नहीं, जाम के ऊपर आई पाओ। आप आए आज हैं? कब तक आएगा मार्केट में, मतलब कितने दिन लग जाएंगे? कम से कम 60-70 दिन मानो। 60-70 दिन आपसे तो लेट जा रहा है फिर है? दिवाली में तिरपा इलाके में आलू आ जाएगा। अच्छा, तिरपा इलाके। अच्छा, आप गंगा पार थोड़ा लेट हुआ क्या? लेट हुआ सैलाब आई, बोला सैलाब। अच्छा, बारिश के कारण? हाँ, ये कारण है। तो गंगा क्षेत्र की अगर हम बात करें अपने कन्नौज क्षेत्र और तिरवा क्षेत्र की जो है, वहाँ पे उसका तो आलू आ जाएगा दीपावली के बाद,
लेकिन गंगा क्षेत्र की अगर बात करें उस पार जो है इस बार जो बाढ़ आ गई थी उसके कारण थोड़े आलू की फसलें लेट हो गई हैं। क्या नाम है भैया आपका? बताइए। राम नरेश। अच्छा, कितना खेत करते हैं सर? 4 एकड़ है। 4 एकड़। बुआई कितना कर दिए? बुआई 2 एकड़ में। 2 एकड़ में। अच्छा, कच्ची वाला किया है या पक्की वाला किया? कच्ची वाला 1 एकड़ है, बाकी पक्की किया। अच्छा, कौन तारीख को आप बुआई कर दिए थे? अभी किया है, 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। तो इसको कच्ची में कह सकते हैं? हाँ, कच्ची लेट वैरायटी जो होता है, साठा आलू जिसको हम लोग बोलते हैं, पकड़ा जैसे है, जल्दी वैरायटी 2 महीने में तैयार हो जाता है। अच्छा। इसको 2 महीने बाद हम खेत में निकाल सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से लगता है कि दिसंबर, 15 दिसंबर या ऐसे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। ऐसे। अच्छा, आपने यहाँ क्षेत्र में मतलब क्या लगता है कि कब तक आलू आ जाएगा मार्केट में अच्छे तरीके से? आगे थी किसान कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले अपना बो दिया था, उनका नवंबर लास्ट नवंबर में आ सकता है। आ सकता है। अच्छा, जो आलू का मतलब देखा जाए कि कई जगह क्षेत्र में, अपने यहाँ क्षेत्र की बात करें, आलू में काफी नुकसान हुआ है और बराबर 2 सालों से नुकसान देखने को मिल रहा है। ज्यादातर आलू अपने क्षेत्र में क्यों करता है किसान? मजबूरी है, आलू के अलावा क्या किया जाए फिर। जानवर इतने ज्यादा हैं, आलू को कम खाते हैं। गेहूँ हम लोग बो दें तो तुरंत खत्म हो जाते हैं, बोने के पाली होते हैं, बोने के बाद खा जाते हैं। रात रात भर खेतों में कौन रखा है बचाए? आलू को कम खाते हैं इसलिए आलू ज्यादा बोया जाता है। अच्छा, आलू जो है कहीं ना कहीं मजबूरी बनी हुई है। बहुत बड़ी मजबूरी है। अच्छा, इस बार अगर जानवरों की वजह से बता रहे, गाय जो है, घुमंतु आवारा पशु जो घूम रहे हैं, इनसे परेशान है किसान। सब 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 आमदनी इसी से घटी, किसान किसान पिट गया आमदनी। अच्छा, किसान की अगर हम बात करें तो किसान बराबर घाटे में जा रहा है और सरकार को कह रहे किसानों की आय वगैरह हम दोगुनी कर रहे हैं। जो भी सरकार कहे, सरकार कहने के लिए कोई बात नहीं। आरोपी किसको ठहरा सकते हैं? हम जिससे बीत रहे वो जानता, किसान की अपनी समस्या किसान ही समझता, हमारे दर्द हम ही जानते हैं और हम दूसरा कौन जानेगा। अच्छा, जो कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि यार किसानों की आय दोगुनी हो रही है, तो धरातल पे क्या भैया हो रहा? हमें कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा बातों में और कागजों में। जो भी हो, कहीं हो, हमें नहीं दिख रहा। हमारी स्थिति जो थी उससे और पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, बराबर जो है 2 साल से नुकसान होता ही चला आ रहा है, नुकसान हो रहा है। आज 20 साल भी आलू फेंकेगा, कोई 2 पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत घाटा। अच्छा दादा, आप कुछ डाले थे? आलू पड़ा है भैया, अभी पड़ा बिक नहीं रहा, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। यहाँ करने क्या है? लाल पकराज बढ़िया आलू है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, और नहीं बिक रहा है। रेट वगैरह कुछ लगा ही नहीं? कोई रेट नहीं, व्यापारी के पास बैठे हैं, व्यापारी कहीं 150 मांग रहे हैं। व्यापारी साहब कितने रुपए लगाए हुए? अब आलू देख रहे हैं, आलू क्वालिटी जैसा हो वैसा रेट लगाए थे। आलू तो बढ़िया बता रहे हैं। हाँ, 400 लगाए थे, ये लगभग 150-200 बिकेगा। कंचन कंचन है की लाल लाल गुलाल? लाल पकराज। अच्छा, बीजा की डिमांड अब कुछ कम हुई है क्या? हाँ, बीजा की डिमांड कम हुई है। तो कितना परसेंट मतलब अभी बुआई क्षेत्र में और रहेगी होगी? अरे 25% रहेगी, घर वालों का 75% कर गया है। अच्छा व्यापारी साहब, ये बताइए कि जो ऊना होशियारपुर का जो आलू आता था हमेशा, सबसे पहले वहीं का आलू आता था, इस बार क्या पोजीशन लग रही है? बस तो आ जाएगा, सब आने वाला है, आने वाला है। और मेन बात, आलू ज्यादा काहे उन्होंने लगा, गाय गेहूँ चढ़ जाती है, सब गाय के वजह आदमी आलू करने लगा, इसीलिए सब जो है आलू पिट जाता है। तो जी, तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा, और भी कई किसान है, इन लोगों से हम बात करते हैं। भैया बैठे हैं, भैया कहाँ से हो आप बताइए? देवी ब्रो ये कहूँ, ये इधर पड़ता है गंगा पार। गंगा पार है। अच्छा, आप कुछ किए हैं आलू? हाँ, आलू करे। कितना किए हैं? आयु 6 बीघा 7 बीघा। तो अंगेती वाला किए हैं आप? ना, ये अब एक गाड़ी रहे हैं। अच्छा, आप गाड़ी रहे हैं। सैलाब वजह से। अच्छा, तो उस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ तो अब ये लेट ही हो गया मान लो, तो पक्की वाला मजबूरी है, सामने गई दिक्कत है। अच्छा, वहाँ भी गहिया बहुत बार क्षेत्र में गाय वजह से थोड़ी दिक्कत गाय बहुत। अच्छा, तो जो कोल्ड स्टोर में आलू कुछ डाले थे? हाँ, पड़ो है भाई। वैसे गाड़ी गए बिको ना आलू गाड़ी गए। अच्छा, ये कितने कितने पैकेट गड़े हैं? देखो पड़े कितने हैं अभी? 52 छट्टा देखो वाला। तो भैया के जो है 52 छट्टा पड़े हैं, ये 9 पैकेट और पड़े, तो अभी कोई इसकी मांग नहीं हुई है? 100 रुपया मांगोगे तो भाई। कौन सा है? न्यू आइलैंड। हाँ, तो पोजीशन खराब। फिर भी आप आलू क्यों गाड़ दिए? अब गए ना बजे से, ये और करें तो करें क्या? और करें अब क्या है, और क्या चीज करें भाई। अच्छा दादा है अनुभवी, थोड़े दादा से बात करते हैं। दादा, आलू कुछ किए हैं? हाँ। कितना किए? 15 बीघा। 15 बीघा। दादा, इस बार कोल्ड स्टोर में आलू कितना डाले थे? 500 रुपए। पूरे बेच दे?
पूरे कितने रुपए रेट सबसे अच्छा रेट मिला आपको? अरे कुछ ना रेट तीन देखो वो चिप्सोना शुगर फ्री तो पूरा चिप्सोना ही था। हाँ टोटल तो 300 रुपए आप पहले बेचे होंगे कि अभी कभी बेचे? अब मैं बेचे कर लीजिए पूरा अभी बेचा है, इससे पहले कुछ नहीं बेचा था। अच्छा से अच्छा रेट आपको 300 रुपए ही मिल पाया कि अब कितना बो दिए हैं? अबे बो ना ये भाई हैं जायदुआरू करें पक्की वाला करेंगे अभी बार। तो अपने यहाँ क्षेत्र में जो अगेती वाले फसलें हैं वहाँ वो कब तक खुदाई हो जाएगी उसकी? वो दिसंबर महीने। दिसंबर मतलब लेट हो गई है। तो जिस प्रकार से गीतांजलि अगर सीतगिरह की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 30,000 पैकेट अभी बचा हुआ है और उम्मीद ये है कि ये कहीं ना कहीं अगर परसेंटेज में हम निकालेंगे तो कम लगेगा, लेकिन अगर हम पैकेट के हिसाब से गिनते हैं तो ये ज्यादा लगता है। कारण ये है कि हर कोल्ड स्टोर में एक्स्ट्रा आलू है। अभी हमारे भाई साहब ने किसी ने कमेंट करके पूछा है कि जो एक्स्ट्रा आलू है वो हमेशा किसान भाई आगे निकालता है, वो जो भी कोल्ड मालिक होता है आगे निकाल देता है, निकाल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आलू तो अभी कोल्ड स्टोर में 30,000 पैकेट पड़ा है तो पड़ा ही है। ये कहीं ना कहीं यहाँ की जो जो सच्चाई है वो हमने बताई आप लोगों को। बात बाकी आपको कुछ कमेंट करके पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। और आलू जो है वो दीपावली के तिरबा क्षेत्र का जो है आलू दीपावली के 10 दिन बाद तक 20 तारीख के करीब मान लेते हैं 20 नवंबर तक आलू आ जाएगा मार्केट में, जो कि ठडिया मंडी और तिरबा मंडी में बराबर कच्ची वाली बिकने लगेगा। और जो गंगा पार साइड का आलू है ये थोड़ा लेट हो गया, हालांकि यहाँ भी अगेती फसलें होती हैं लेकिन इस बार बाढ़ के कारण थोड़ा लेट हो गया। ये हमने मानीमऊ क्षेत्र का अपडेट दिया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें।